बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। देखें, ये जो हमारा पैटर्न था, ये हमारे पैटर्न का थर्ड पार्ट है और इसके फर्स्ट टू पार्ट्स का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। जो लास्ट सेकंड पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था ये राउंड नंबर जो सिक्स है वो हमने किस तरह से कम्प्लीट किया है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और अब 7 जो है वो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि स्टार्ट मैंने क्या किया है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लिए बहुत अहम है, मैं आपके बहुत शुक्रगुजार होंगी। और क्लिक बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। ओके, राउंड नंबर जो 7 है वो इस तरह से यहाँ पर आपने 3 चेंज कर लेने हैं, जैसा कि आपने ये लास्ट 2 राउंड में किया। 3 चेंज करने के बाद 1 चेंज करना है। 1 चेंज के बाद ये जो 2 चेन स्पेसेस हैं इसमें आपने 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे करने हैं। फिर चेन 1 डबल क्रोशे इनटू द 1 डबल क्रोशे, चेन 1 एंड 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे इनटू 2 डबल, इसी से इस चीज़ में। अब यहाँ से आपने क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पैटर्न में जो चेंज आया है वो ये आया है कि यहाँ पर आपने करने हैं 6 चेन, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6। ये 6 चेंज करने के बाद आपने ये जो हमारा लास्ट लूप बचा है 3 चेन वाला, इसमें आपने करना है सिंगल क्रोशे और फिर आपने करने हैं 6 चेन, 3, 4, 5 और ये 6। 6 चेंज करने के बाद आपने ये जो हमारा 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे है, इसमें सेम एज़ इट इज़ वैसे ही 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे कर लेना है। हमारे राउंड नंबर 7 में कोई खास चेंजेस नहीं थे, ये जो मैंने आपको बताया सबसे इम्पोर्टेंट यही था। यहाँ पे आपने 6 चेंज करने हैं और यहाँ से हमारा फिर से पैटर्न वही स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट भी आपने इसका सेम एज़ इट इज़ वैसे ही कर लेना है। राउंड नंबर 8 स्टार्ट करने के बाद, यहाँ तक करने के बाद मैं आपको बताऊँगी क्या करना है, क्योंकि अब ये हमारी कुछ राउंड तक सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही जाते रहेंगे। राउंड नंबर 8 में भी आपने यही चीज़ करनी है। ओके, राउंड नंबर 8 जो है वो मैंने स्टार्ट कर लिया, जैसा कि मैंने 7 राउंड में आपको बताया था ये सेम है, वैसे ही स्टार्ट करना है आपने। स्टार्ट करने से लेकर ये दो जो पाइनएप्पल हैं, ये जो दो सेट हैं, सॉरी पाइनएप्पल नहीं है, ये फैन स्टिच हैं, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे वाला जो सेम एज इट इज़ वैसे ही कर लेना है। अब आप यहाँ पर जब पहुँच जाएँगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने देखिए इस तरह से अब नेक्स्ट पाइनएप्पल जो स्टार्ट होगा वो किस तरह से होगा। आपने करने हैं यहाँ पर 4 डबल चेन, 3, 4 चेन करने के बाद आपने ये जो 6 चेन स्पेस है इसमें आपने करना है 1 सिंगल क्रोशे। 1 सिंगल क्रोशे करने के बाद आपने यहाँ करने हैं 6 चेन्स, 5 एंड 6। 6 करने के बाद आपने यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे कर लेना है। अब यहाँ पे फिर आपने करने हैं 4 चेन्स, ये 4 चेन्स करने के बाद आपने ये जो अगर फैन स्टिच आपने सेम एज़ इट इज़ वैसे ही यहाँ पर कर लेना है, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशे। ओके, ये सेम राउंड आपने सेम चीज़ आपने इस साइड पे भी कर लेनी है। और ये राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। थैंक यू। ओके, देखें राउंड नंबर 9 जो है वो हमारा कुछ इस तरह से है कि राउंड नंबर जो हमारा राउंड नंबर 2 था वही चीज़ आपने राउंड नंबर 9 में करनी है, यानी कि एक पाइनएप्पल जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हमारा सेकंड पाइनएप्पल जो है वो स्टार्ट होगा। लंबाई में जो है हमारा पाइनएप्पल रो वाइज जा रहे हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने करना है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है ये राउंड नंबर 13 या राउंड नंबर 13 नहीं, ये राउंड नौवा राउंड है। इस नौवें राउंड के बाद जो 13 मज़ीद राउंड आपने करने हैं वो सेम एज़ इट इज़ आपने वैसे ही कर लेने हैं, जैसे मैं आपको अभी बताऊंगी। यहाँ पे आपने करना है चेन 1, देखिए ये स्टार्ट का पार्ट जो है सेम एज़ इट इज़ वैसे करने के बाद यहाँ पे आपने करना है चेन 1। और ये देखें ये जो आपके पास आ गई थी स्पेसिस 4 चेन 6 चेन और 4 चेन, जो 6 चेन है उसमें आपने कर लेने हैं 9 डबल क्रोशे। ये सेम राउंड नंबर 2 है, इसमें आपने कर लेने हैं 9 डबल क्रोशे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ओके, 9 डबल क्रोशे करने के बाद आपने करना है चेन 1, चेन 1 करने के बाद आपने इसमें करना है
टू डबल क्रोशे, टू चेन्स, टू डबल क्रोशे। ओके, ये करने के बाद आपने देखें सेम चीज़ ये हो गई हमारी राउंड नंबर टू जैसी। अब आपने करना है चेन वन, वन डबल क्रोशे पे आपने वन डबल क्रोशे ही करना है, चेन वन करना है। फिर यहाँ पे जो आपके पास